क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये सब संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। क्या संसार